अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं दानिश मलिक, आप सब देख रहे हैं नेक रास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ज़ियारत कराने वाले हैं दूधिया पीर रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की दरगाह मुबारक की। दोस्तों, ये दरगाह उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के करनपुर गाँव में मौजूद है। दोस्तों, इन अल्लाह के वलियों का जो दूधिया पीर नाम पड़ा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा वाक़िया है और इनकी ये ज़िंदा करामात है जिसकी वजह से ये अल्लाह के वली दूधिया पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ये बात के अभी आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और साथ ही हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दिल से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़ियारत कराते हैं आपको दरगाह शरीफ की और दिखाते हैं अंदर और बाहर का नज़ारा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, यह है सामने अल्लाह के वली की मज़ार और ये चारों तरफ का नज़ारा है। दोस्तों, ये अल्लाह के वली रोड के किनारे ही मौजूद हैं। दोस्तों, ये मुरादाबाद से हाईवे आ रहा है तलपतपुर से होते हुए, हम इसी रोड से आए हैं दरगाह की जानिब। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दरगाह की तरफ। दोस्तों, ये है दरगाह के चारों तरफ का नज़ारा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा व्यू है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये अल्लाह के वली भी बीच जंगल में ही मौजूद हैं और चारों तरफ हरियाली, हरे भरे खेत खलियान। दोस्तों, जैसे ही आप दूधिया पीर रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के आस्थाना मुबारक के पास पहुँचेंगे तो आपको उनसे पहले ये एक दरगाह मुबारक दिखाई देगी। इस वक्त जो इस दरगाह मुबारक के सज़ादा नशीन हैं, उनके वालिद साहब की है। पहले इस दरगाह मुबारक के सज़ादा नशीन यही थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस दरगाह मुबारक की भी ज़्यारत कर लीजिए। ज़्यारत कर लीजिए दोस्तों। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत आस्थाना है। दोस्तों, इस दरगाह मुबारक के बराबर में ही यहाँ का मुसाफिर खाना। चलिए दोस्तों, आपको मुसाफिर खाना दिखाते हैं यहाँ का। दोस्तों, ये सामने ही आपके मुसाफिर खाना है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको रुकने की कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी जगह है यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए और ये यहाँ का मुसाफिर खाना है। और ये सामने ही है दरगाह मुबारक। दोस्तों, ये है दरगाह में दाखिल होने का मेन गेट और ये दरगाह के जस्ट बराबर में ही है जंगल। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा नज़ारा है चारों तरफ का। चलिए दोस्तों, ज़ियारत कराते हैं आपको दरगाह मुबारक की। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए। कमली वाले, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में। ज़ियारत कर लीजिए दोस्तों, माशाल्लाह क्या खूबसूरत आस्थाना है। जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई।
बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई, कमली वाले कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई, ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा, माशाल्लाह वर्गा कोई जगते सहारा नहीं, जेना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जेना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाए, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा। दोस्तों, इस वक्त जो आप हमारे साथ में चचा को देख रहे हैं, ये इस दरगाह मुबारक के सज्जादा नशीन हैं। तो चलिए दोस्तों, इन अल्लाह के वलियों के बारे में थोड़ी सारी मालूमात हम इन्हीं से हासिल करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन अल्लाह के वलियों का दूधिया पीर नाम किस वजह से पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे अहमाल ये कहता है कि बुजुर्गों की दुआएं इंशाल्लाह, भैंस हो गाय हो या कोई भी किसी औरत को दूध नहीं मिल पाए तो सरकार दूध या पीर की करामतें हैं, जिसके बच्चा नहीं हो रहा है तो इंशाल्लाह ये दुआ में करामतें यहाँ आए, दुआ करें इंशाल्लाह वो दुआ पूरी हो जाएगी माशाल्लाह। और जितनी कोई भी परेशानी हो इंशाल्लाह, ये अल्लाह के वली का मामला, हमारा अकीदा है ये कि जो भी इंशाल्लाह यहाँ आएगा तो सबका यह है फैज आराम होएगा माशाल्लाह। हाँ, और है कोई वो फीस नहीं है किस चीज़ की भी, साहब जैसे भी जिसका भी है अपने जो भी है, अपना जो भी मुराद पूरी हो जाए, जो भी कर सके यहाँ आकर कर सके, दरगाह मुबारक पर जो बस भी आपको हाँ नज़र फातिहा खानी करनी है, खानी होए अगर इंशाल्लाह, मतलब अपनी हैसियत के मुताबिक आप यहाँ पर कर सकते हैं, कर सके तो बहुत बहुत। और मैं कोई स्वाद के आदमी नहीं हूँ, मुझसे कहते हैं लोग बार क्या घर पर आना, मेरे घर पर आपकी दावत है तो मैं इनकार करता हूँ कि मेरी दावत नहीं होगी, मैं दावत खाने वाला सरकार का खूब नहीं है, मैं आपको यहीं ही मिलूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत आपसे ज़रा हमसे गुफ्तगू करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हजरत के मुँह से सुना कि इन दूधिया पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम इसी वजह से पड़ा कि आपके आस्ताना मुबारक पर जिस भी हमारे भाई बहनों के जिनके घरों में भैंसें और गायें पलती हैं और उनकी भैंसें और गायें दूध वगैरह नहीं देती हैं, तो आप दूधिया पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताना मुबारक पर आप थोड़ा सा बोतल वगैरह में दूध करके यहाँ पर लाएंगे और आपके आस्ताना मुबारक पर नियाज लगवा कर लेकर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी गाय और भैंस भरपूर तरीके से दूध देने लगेगी। ये भी इन अल्लाह के वलियों की एक ज़िंदा करामात है और आपको इसीलिए दूधिया पीर के नाम से जाना जाता है। और आपके आस्ताना मुबारक से लोग खाली हाथ आते हैं लेकिन अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत बुज़ुर्ग और बहुत अफजल अल्लाह के वली हैं। दोस्तों, ये बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं, जिस भी हमारे भाई बहन की भैंस या गाय वगैरह दूध नहीं देती है वो इस दरगाह मुबारक पर इन कंट्रियों के अंदर ही दूध लेकर आते हैं और इस दरगाह मुबारक की जो सज्जादा नसीन है उनसे डोरी पड़वा कर लेकर जाते हैं और अपनी भैंस के या गाय के गले में डाल देते हैं। अल्लाह के करम से और इन पीर वलियों की दुआओं से उनकी भैंसें भरपूर दूध देने लगती हैं। दोस्तों, ये भी इन अल्लाह के वलियों की ज़िंदा करामात है। दोस्तों, इन अल्लाह के वलियों की ज़िंदा करामात एक ये भी है कि आपके आस्ताना मुबारक पर जिस भी बच्चे को या किसी भी भाई बहन को पीलिया होता है वो आपके आस्ताना मुबारक पर यहाँ पर पीलिया भी झाड़ा जाता है, तो जिस भी भाई बहन को पीलिया हो वो आपके आस्ताना मुबारक पर आएँ और यहाँ से फैज़याब होकर जाएँ। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो इस दरगाह मुबारक के सज्जादा नशीन हैं वो इस बच्चे का पीलिया झाड़ रहे हैं, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हजरत ने इस बच्चे का पीलिया झाड़ दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 दिन अपना पीलिया झड़वाने के लिए आना है इंशाल्लाह और आप बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे और आपका पीलिया पुराने से पुराना इस दरगाह मुबारक से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आपने ज़ियारत करी हज़रत दूधिया पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह मुबारक की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मालूमात और लोगों तक भी पहुँच सके और लोग भी इस दरगाह मुबारक से फैज़ याब हो सकें। तो मिलता हूँ आपसे एक और किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।